टाइम बाद आप फिशरी जा रही हैं ये बताएं? तो पहली दफा जा रही हैं। पहले आप कभी फिशरी नहीं गई? महीने डेढ़ महीने दो महीने का शिकार होता है। अच्छा, ओए होए, महीना डेढ़ महीना रहती हैं यार, मतलब सारा अपना खाने पीने का इंतजाम ये इसी के अंदर लेके जाते हैं। देखे भाई ये सुआ मछली, कितनी बड़े बड़े दाने हैं यार। वाह भाई, कौन सी मछली है? डांगरी। डांगरी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बजे दिल तो कर रहा है अभी दोबारा सो जाऊं, लेकिन अम्मी ने बोला चल बेटा चल फिशरी जाना है। काफी टाइम से अम्मी कह रही है कि यार फ्रेश मछली लेने के लिए जो है ना फिशरी चलते हैं, लेकिन ये है कि सुबह जल्दी उठा नहीं जाता और फिर जब फजर के बाद सो जाते हैं। लेकिन अभी आपको भाई जो है ना आज फजर के बाद सोया नहीं था, वीडियो एडिट कर रहा था, तो मैंने बोला चलते हैं अम्मी के साथ, तो आप लोग भी तैयार हो जाए जल्दी, आप लोगों को भी फिशरी लेके चलते हैं, वहां से मछली लेके आते हैं। ठीक है, आ जाए। आज जो है ना अब्दुल कबीर भी सुबह सुबह उठ गया है और ऊपर से जो है ना लॉटिनोस की आवाज आ रही है, तो हम जो है ना जरा लॉटिनोस की खबर लेने के लिए जा रहे हैं, मुर्गा मुर्गी की भी खबर लेने के लिए जा रहे हैं। ओए होए, वाओ वाओ, गुड मॉर्निंग। मुर्गी को हमने अलग रखा है, रात में हम अलग रख देते हैं, अंदर डाल देते हैं ताकि जो है ना कोई और जानवर आके इनको जो है ना खा हुआ ना जाए। ठीक है, वो देखिए लॉटिनो अंदर चले गए। होता है मुर्गे को हमने अलग किया, नीचे का बड़ा पिंजरा है, और ऊपर मुर्गी को अलग किया क्योंकि जो है ना इन दोनों का बहुत खतरनाक किस्म का फड्डा हो गया था और मुर्गी इतनी बदमाश है कि मुर्गे को ही जो है ना जख्मी कर दिया था। तो फिर जो है ना वाइफ ने मेडिसिन लगाई थी मुर्गे को और अभी जो है ना जख्म बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई मुर्गे कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? इधर देखो आपके बाल कैसे हो गए नींद में? अरे वाह, सफाई कर रहे हो सुबह सुबह छत की? हाँ सफाई का झाड़ू लगा रहे हो? अच्छा, आप जो अबू जी के पास जाके लेट जाओ आराम से। जाओ 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 जाओ, वो देखो अबू जी सो रहे हैं, जाओ 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 लेट जाओ। अब्दुल कबीर अबू जी के पास गया ना, अबू जी इसको पकड़ के अपने पास सुला लेंगे। अरे भैया अब जो है ना तैयारी करते हैं फिशरी जाने के लिए, फ्रेश होते हैं जरा, निकलते हैं। वह सुबह दो अजवा की खजूर मिल जाए तो क्या बात है यार। बेगम कह रही है सब कुछ दिखाओ ना, अजवा की खजूर दिखा रहे थे, ये मसूर की दाल भी दिखाओ, ये भिगो के रखी हुई है बेगम ने, और ये अजवा के बीज आपने संभाल के रखे हैं। अजवा उगाएंगे छत पे? जो है वो खांसी का शरबत रखा हुआ है बेगम ने, सही है, और ये हमारे दरवाजे का लॉक निकल गया है। सब दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये हमारा जो है ना रोटी पराठा भी आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। भाई ये जो है ना गंदे वाले जूते ही पहन लेता हूँ फिशरी में, वरना अच्छे जूते खराब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सुभान लजी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। कितने टाइम बाद आप फिशरी जा रही हैं ये बताएं? मैं तो पहली दफा जा रही हूं। हैं? हां, पहले आप कभी फिशरी नहीं गई? नहीं गई, अभी तो मैं बोल रही थी चल। अच्छा, तो काफी टाइम से हमारा प्रोग्राम बन रहा था, अम्मी इसीलिए जो है ना बड़ी इंटरेस्टेड थी कि आज जल्दी चलो बेटा जल्दी चलो, तो आज जा रहे हैं हम लोग भाई पहली मरतबा अम्मी को लेके फिशरी। अब आप देखें ये जो अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग बनी हुई है ना यहाँ पे, ऐसा एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा देख के लगा कि मैं अब इस वक्त यूके में हूँ, क्योंकि वहां पे तो जो है ना हर गली के कोने पे जो है ना इस तरीके का चर्च वगैरह बना हुआ होता है ना, बिल्कुल ऐसा। और जाहिर सी बात है ये भी उन लोगों ने ही बनाया। देखें अगर मैं राइट साइड पे चला जाऊंगा ना तो ये खारादर का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने लेफ्ट पे जाना है, यहाँ पे फिशरी आती है, और फिशरी के लिए बल्कि फिशरी तो अभी आने में देर है, अगर यहाँ पे भी मैंने शीशे नीचे किए ना तो ऐसी फिश वाली स्मेल हो जाएगी ना हमारे अंदर कि मैं क्या बताऊं। और अभी घर पे जाते ही जो है ना सही से दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिश वाला जो है ना परफ्यूम हवाओं में घूम रहा होता है। ये देखें इस तरफ है फिशरी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना देखें सब ने जो है ना पाँव में बड़े वाले जो है ना जूते पहने हुए, जो फिशरी पे काम करने वाले होते हैं ना ये सारे लोग वही जा रहे हैं सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे। चलो मेरा भाई ये बर्फ तोड़ रहे हैं ताकि इसके अंदर जो है ना मछलियां रख सकें। असल मैं यहाँ पे अभी जो है ना किसी बंदे से पूछा था कि भाईजान गाड़ी कहाँ पार्क करें, उसने बोला भाईजान अपना सारा सामान निकाल के जाना है, चोरी बहुत होता है यहाँ पे। भाई हम फिशरी तो पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना इतना ओपनली अलाउ नहीं है। हाँ अगर हम थोड़ी सी पहले से वर्किंग करते तो हमें वीडियो की इजाजत मिल जाती, बट अभी जो है ना बस थोड़ा जितना हो सकेगा ना मैं बनाऊंगा। ठीक है, अंदर से आप जो है ना मछली लेके आते हैं, बाहर जो है ना ये देखिए मछली काटने वाले यहाँ पे बैठे हुए, ये मछली काट के देते हैं। वाह भाई कौन सी मछली है? डांगरी। डांगरी, क्या बात है भाई। देखे भाई ये सुआ मछली है, कितनी बड़े बड़े दाने हैं यार। ये देखे भाई यहाँ हम अंदर आ गए, अंदर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी मछली है ना सारी मीठे पानी की, मतलब समंदर की नहीं है, जो अंदरूनी सिंध में जो फिश फार्म वगैरह बनाए होते हैं ना उसकी है ना, उसकी मछली सारी। ये मल्ली है, ये मल्ली है भाई, चेक करें। ये क्या है भाई? बाम है, बाम बोलते हैं इसको। अच्छा ये देखें सांप की तरह है बिल्कुल, और ये मछली की किस्म है। वाह यार देखें क्या क्या चीज़ें हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने देखें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये मुनीर भाई हैं, ये यहीं पे होते हैं फिशरी पे, और बहुत मतलब इनका फैमिली बिजनेस है यहाँ पे, इनका स्टॉल लगा हुआ था, इन्होंने बोला मेरे दादा मेरे वालिद साहब, और अब मैं भी जो है ना यही काम कर रहा हूँ।
मैंने इनको बोल दिया है कि हमने जो है ना फिशिंग पे जाना है। सही है भाई, बिल्कुल VIP किस्म का एडवेंचर करेंगे। सही है, अब आप लोग तैयार हो जाए कॉमेंट में कि जो है ना हमें फिशिंग पे जाना चाहिए भाई मच्छरों के साथ, बताइएगा लास्ट में इंशाल्लाह ऐसा होगा कि अपने व्यूअर्स को मजा आ जाए। अच्छा ये देखें, अब आप यहाँ पे देखें ये सारी कश्तियाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारी जाती हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। तकरीबन महीने डेढ़ महीने दो महीने का शिकार होता है। अच्छा, ओए होए, महीना डेढ़ महीना रहती हैं यार, मतलब सारा अपना खाने पीने का इंतजाम ये इसी के अंदर लेके जाते हैं। है भी बड़ी कश्तियाँ वैसे यार, राशन लोड होगा। अच्छा, बर्फ लोड होगा, खाने पीने की अशिया, जरूरत की अशिया लोड होके फिर ये जाएगा शिकार पे महीने अच्छा। डेढ़ महीने दो महीने के बाद। ओहो, ये तो बड़ा एडवेंचर है, फैसला है जिंदगी और मौत का। यहाँ पे इस तरफ तो जो है ना बड़ी वाली कश्तियाँ, महीने डेढ़ महीने का सेटअप है इनका। अब यहाँ पे जो है ना छोटी वाली कश्तियाँ हैं, ये जाती हैं, भाई बता रहे हैं कि सुबह जाती हैं और दोपहर दो तीन बजे तक आ जाती हैं। सही है, तो हम भी इसी में जाएंगे फिर। ठीक है, सही है, इसके बाद फिर प्रोग्राम बना तो महीने के लिए भी चले जाएंगे। बर्फ चेक करें आप, कितनी ठंडक है यहाँ पे, पूरे के पूरे ट्रक उतर रहे हैं। वो देखिए सामने भी बर्फ, इधर भी बर्फ, इधर भी बर्फ, ये सारा कश्तियों में लोड हो रहा है यार, सेटअप है पूरा। फिशरी है ना ये पूरी अपने आप में एक दुनिया है, यकीन करें। इतनी कश्तियाँ खड़ी हुई थी अंदर कि बिल्कुल मेरा दिल कर रहा था अभी चढ़ जाऊं कश्ती में। सामने जो है ना लोकल मार्केट लगती है कि यहाँ के लोग आके, रेस्टोरेंट वाले आके मछलियाँ खरीदते हैं। इसी तरह ये देखें, ये सारी कंपनीज है ये बता रहे हैं भाई, और ये सारे एक्सपोर्टर हैं, मतलब जो अच्छी बड़ी फिश होती है। तो फिश के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे सुआ मछली है, उसका जो कोटा होता है उसके अंदर जो है ना बाईपास सर्जरी की जो है ना थ्रेड बनती है, कुछ इस तरीके का ही सिलसिला होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बड़ा महंगा एक्सपोर्ट होता है ना, बहुत महंगा होता है। ये सामने आप देख रहे हैं ये ऑक्शन हॉल है। सही है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही समंदर से मछली पकड़ के आते हैं तो फिर वो यहाँ पे रखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के जो दुकानदार हैं वो खरीदते हैं, जो फिशरी के दुकानदार हैं। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट वाले और जो हमारे इलाकों में मछली वाले होते हैं ना, वो फिर इन लोगों से आगे खरीदते हैं। पूरा रोजगार का एक चेन बना हुआ है, सबको रोजगार मिलता है, पूरा सर्कल है। देखें ये जो है ना अब एक्सपोर्ट का सेटअप है इनका, आप देख लें सबका पेट कटा हुआ है, सबका जो है ना चीरा लगा हुआ है और इसके अंदर से जो है वो कोटा निकला हुआ है, वो जो मेडिकल के अंदर यूज होता है। ये चेक करें, सही है ना, पूरा सीन है भाई ये। अब ये सारा एक्सपोर्ट होगा। मुनीर भाई बता रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है ना सुबह के 9:30 बजे हैं, लेकिन आप लेट हो चुके हैं, अभी आपको जो है ना फ्रेश मछली मिलना बहुत मुश्किल है। ये जितनी भी आपको नजर आ रही है ना, ये सारी छांटी होने के बाद की मछली है। तो अगर आपको सही टाइम पे आना है फ्रेश मछली के लिए तो सुबह 4:30 बजे। ओए होए, 4:30 बजे सुबह आना पड़ता है भाई। लेकिन अभी जो है ना ये हमारे लिए निकाल रहे हैं कुछ तरह मछली, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से फ्रेश मछली मिल जाए। देखें यहाँ जो है ना अंदर पूरा सेटअप इस तरीके का बना हुआ होता है कि लोग काम कर रहे होते हैं। ये देखें ये क्रेट्स हैं, ये क्रेट्स के अंदर जो है ना फिर बर्फ के साथ मछली रख दी होती है, ये मुश्का है। और ये डिफरेंट सिटीज के अंदर और फिर आउट ऑफ पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट होती है। ये देखें अब सारे बॉक्सेस के अंदर यही सिलसिला है। डिसाइड हमारा ये हुआ कि मछली तो इस टाइम पे खत्म हो चुकी है, लेकिन मुनीर भाई ने ये कहा कि मैं आपके घर पे पहुंचाऊंगा और आज ही जो शाम में ताजी मछली आएगी वो आपके घर पे पहुंचाऊंगा। अब हम जूतों को जो है ना नीचे से जरा सही से धो लेंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर वरना जो है ना फिशरी आ जाएगी पूरी की पूरी ना, ऐसा लगेगा हमें कि गाड़ी नहीं फिशरी है। ये देखे भाई, मम्मी कैसी लगी आपको फिशरी? अच्छी लगी, अच्छी लगी। अच्छी नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पे काम बहुत जबरदस्त है ना, मतलब इतनी मैसिव लेवल के ऊपर मछली आपने पहले नहीं देखी होगी, है ना। हाँ, तो ये सिलसिला था। बाकी स्मेल वगैरह तो जाहिर सी बात होती है भाई, वो तो है, लेकिन ये अच्छा हो गया मम्मी कि हमारे पास जो है ना अभी घर पे पहुंच जाएगी। हाँ, ये अच्छा हो गया। और बड़ी वरना तो जो है ना हमारा आना यहाँ पे बेकार हो जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने हर चीज में कोई बेहतरी लिखी होती। अब हम जो है वो घर जा रहे हैं और वहाँ से भाई को लोकेशन भेजेंगे और मछली आएगी। मम्मी को जो है ना मैंने घर पे छोड़ दिया है, अब मैं आगा खान हॉस्पिटल आया हूँ, क्योंकि वो बच्ची की सर्जरी भी हो गई थी, वो डिस्चार्ज भी हो गई थी और आज उसकी बैंडेज खुलनी थी, तो वो जो है ना हॉस्पिटल आई हुई थी। तो वहाँ बच्ची से ही मुलाकात कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद गाड़ी का एसी जो है ना काम नहीं कर रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो ही होता जा रहा है, तो अभी जो है ना इसको भी चेक करा लेते हैं। सही है, देखें ये जो है ना पुरानी सर्जरी हुई थी, इस तरफ से जो है ना डिवाइस निकाल ली है बच्ची ने, ठीक है, और अभी जो है ना सर्जरी इस तरफ की है। अल्लाह पाक में शिफा दे बच्ची। भाई हम गाड़ी चेक कराने के लिए, गाड़ी का एसी चेक कराने के लिए। कैसे हैं भाई, ठीक है? अब आप बताएं कि ये एसी की गैस वगैरह चेक करानी है, ये एसी की कूलिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, फुल एसी है। इतने में तो जो है ना बर्फ बनती थी गाड़ी में। ये निकाला भाई हमने ब्रांड न्यू एसी का फिल्टर अंदर से, डब्बा पैक देख रहे हैं आप लोग, चौक पड़ा हुआ है, चौक पड़ा हुआ है, देखा है आपके सामने। ये तो है वाकई, ये तो सियाती है इसके साथ। ये तो अच्छा हुआ इतनी भी हवा आ रही थी, वरना तो जो है ना हीटर चल जाता इसके अंदर। मेरी गाड़ी भी सोचती होगी कि किस जालिम के हाथ में पड़ गई हूँ मैं, जापान में ही अच्छी चल रही थी। ये आ गया भाई अब डब्बा पैक ब्रांड न्यू फिल्टर। सही है, अब जो है ना इंशाल्लाह एसी का मसला हल हो जाएगा।
चेक करने जा रहे हैं हम लोग, एसी फुल करता हूँ। हाँ यार वाकई जमीन आसमान का फर्क हो गया, अब ऐसे लग रहा है कि हम समंदर पे खड़े हैं और तेज तेज हवाएं चल रही हैं। वीआईपी हो गया भाईजान, बेहतरीन। कितने का होता है ये फिल्टर अदान भी? ये 550 रुपये। 550 रुपये का सर। ये ले बेगम, मछली लेने के लिए गया था मेरे हाथ के अंदर मछली, ये लो। नहीं है मछली बेगम, बिल्कुल वीआईपी सेटअप है, आज मछली खुद आ रही है यहाँ पे इंशाल्लाह। मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। साइड पे रखे, मुझे बात करनी है आपसे। अच्छा तो ब्लॉग के अंदर करो ना बात, क्या करनी? नहीं। अच्छा ब्लॉग के अलावा करनी है ना, एक बहुत ही जबरदस्त जगह पे लेके जा रहा हूँ। जबरदस्त जगह नहीं है लेकिन जबरदस्त चीज आप लोगों को बताऊंगा, चलते हैं हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन। और बहरिया टाउन क्यों जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को वहां पहुंच के बताऊंगा। बहरिया टाउन जो है ना, हम लोग किसी से मिलने के लिए आए हैं, असर की नमाज पढ़ी यहाँ पे। कितना सुकून है इस मस्जिद के अंदर, कितनी यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखे यार, दिल कर रहा है यहाँ से उठूं ही ना भाई। बहरिया टाउन हम इसलिए गए थे कि हमें जो है ना गाड़ी का एक बनता है कार्नेट, जिस तरह हमारा पासपोर्ट होता है ना, हम उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, इसी तरह गाड़ी का एक पासपोर्ट होता है जिसको कार्नेट बोला जाता है, और उसी के थ्रू जो है ना आप फिर इस गाड़ी को अपने मुल्क से बाहर दूसरे कंट्रीज में लेके जा सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता है, लेकिन अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग उम्रे पे जाएं यहां से अपनी गाड़ी में बैठ के कुछ इस तरीके का। तो एक बंदे से मिलने के लिए गए थे जो कि इस तरह का काम करता रहता है, लेकिन जो है ना हमारी कुछ फीजिबिलिटी बनी नहीं, वरना हम सोच रहे थे कि आपको गाड़ी में लेके चलते हैं। वालेकुम शकील भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक। शकील भाई को नारियल का पानी अगर आप पिला दो तो यार, पिला दें यार। ले आओ ना, ऐसा नहीं पिलाना था भाई, वीडियो ऑन है। शकील भाई देख रहे हैं, वीडियो बन रही है नहीं भाई। शकील भाई लोग आपकी मेहमान नवाजी देख रहे हैं। वो देखें भाई, शकील भाई गए हुए नारियल लेने के लिए। वाकई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इस वीडियो के चक्कर में ही सही, लेकिन हमें नारियल। शकील भाई जिंदगी में पहली बार जो है ना किसी को नारियल पिलाने जा रहे हैं, और वो हम लोग हैं। जी आमिर भाई, क्या कहते हैं आप? ऐसे ही अच्छा अच्छा, स्ट्रेट अवे टोपी करा दी थी हमको, मैंने जैसे ही कैमरा निकाला ना तो जज्बाती हो गए थे। उन्होंने बोला अच्छा आप बैठो ना तो मैं पिलाता हूँ। थोड़ा आए बाय शायद करने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ में आ गए पैर। शकील उसको बोल रहा होगा कि यार जो पुराना सा नारियल पड़ा हुआ ना वो दे दे। शकील भाई कैसे हैं आप भाई? ठीक है शकील भाई, भरा हुआ लाना है, खाली नहीं लाना। ऐसा नहीं हो तुम वहां पे कोने में जाके इसमें पानी डाल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, और ये इससे छोटा नारियल नहीं मिला यार। दे दो, मैंने बोला दे दो नारियल यार, मैंने उसको नहीं बोला, मैंने बोला नारियल दे दो। बात बताऊं, आज बहुत बड़ी हमने जंग जीती आपको पता है, ये शकील भाई से नारियल का पानी पिया यार। पहले नहीं पिलाया यार, पहले कब पिलाया था यार। अच्छा देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं साथ में जो है ना ब्रांडिंग भी कर रहे हैं अपनी। देखे कि ऐसा ऐसा गुलदस्ता बना है, वाह भाई वाह, सही है, इम्पोर्टेड गुलदस्ता, क्या बात है क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाह यार शकील भाई क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप मेरे मीठे बच्चे? आज खाना जो है ना बेगम, मैं आज भी बाहर खाऊंगा नल्ली बिरयानी। यार असल में वो मेहमान आए हुए ना, तो उनके साथ जो है ना आज नल्ली बिरयानी के प्रोग्राम बन गया है, तो गौसिया की नल्ली बिरयानी खाएंगे। यार वैसे मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि जो है ना घर पे खाना खाऊं, लेकिन जो है ना कभी कभी जाहिर इस तरह का सिनेरियो बन जाता है कि हमें जो है ना कहीं जाना पड़ जाता है। लेकिन आज एक काम करूंगा, मैं थोड़ी सी कम खाऊंगा बिरयानी, बाकी आके जो है ना तुम्हारे पास भी सेकंड शिफ्ट लगा लूंगा, ठीक है। अब जो है ना आमिर आ रहा है, डिसाइड ये हुआ कि आमिर आ रहा है और हम लोग बाइक पे जा रहे हैं नली बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग वहां पे नहीं मिलती, और इमरान भाई भी जो है ना डायरेक्टली वहीं पे पहुंचे, ठीक है। तो अब मैं ये सोचूं कि हम व्लॉग को जो है यहाँ पे एंड कर देते हैं, क्योंकि नली बिरयानी ऑलरेडी मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले लेके गया था, तो आप लोगों को तो मैंने खिला दी वीडियो के ऊपर, तो अब जो है ना मैं ही जाके खा लेता हूँ, सही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल के व्लॉग में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अल्लाह हाफिज़। और हाँ मोहम्मद अहमद मैं आप लोगों को जल्दी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चले भाई ओके।